आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। आपने सारे शब्द सुने होंगे, मैंने भी बहुत सारे बताए हैं, लेकिन बाकी शब्द नहीं सुना होगा। बाकी बचे, बाकी इतने रहे, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? बाकी दिन, बाकी महीने, बाकी दिन यानी आज का दिन जो बाकी रह गया है, बाकी दिन आने वाले, बाकी चीजें, बाकी मैंगोज यानी आम, सेब, अनार, कुछ भी कह सकते हैं आप, बाकी काम, बाकी पढ़ाई, देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी। तो सबसे पहला शब्द आएगा रिमेनिंग। इन सब के लिए रिमेनिंग शब्द का प्रयोग होगा, अंग्रेजी में रिमेनिंग और हिंदी में बाकी। अब देखें मैंने क्या शब्द यूज किया है। द रेस्ट, लेफ्ट है तो तीन शब्द। पहले वाक्य में मैंने द रेस्ट शब्द का यूज किया है। द रेस्ट और ज्यादातर होता है रिमेनिंग, द रेस्ट भी बहुत होता है। बाकी कहानी मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा। आई विल टेल यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी टुमारो। कल सुनाऊंगा भैया मैं, बाकी कहानी कल सुनाऊंगा। केवल चार दिन बाकी हैं। कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? चार दिन बाकी हैं। ओनली फोर डेज आर लेफ्ट, मैंने यहां लिखा है ओनली फोर डेज आर लेफ्ट। चार दिन बाकी हैं, पांच दिन बाकी हैं, छह दिन बाकी हैं, सात दिन बाकी हैं, किसी के हफ्ते बाकी हैं, महीने बाकी हैं, सब में यही आएगा आर लेफ्ट। ओनली फोर डेज, फोर मंथ, फोर वीक्स, कुछ भी आ सकता है। आर लेफ्ट बचे हैं, बाकी हैं। ओनली फोर डेज आर लेफ्ट, केवल चार दिन बचे हैं, चार दिन बाकी हैं। बाकी छुट्टी रिमेनिंग का यूज किया जाएगा यहां, रिमेनिंग लीव, बाकी छुट्टी। बाकी भुगतान यानी कितना देना है, पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट। आउटस्टैंडिंग शब्द का प्रयोग होगा यहां पर। सात में से चार गए, बाकी बचे तीन। आपको इसकी अंग्रेजी कोई बताएगा? देखें फिर से सुने, कितने में से भी कितने घटा लो, कितने बचे, बाकी कितने बचे, उसकी अंग्रेजी क्या होगी? सात में से चार गए, अब ये संख्या कोई भी हो सकती है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखी है। सात में से चार गए तो बाकी बचे तीन, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? टेक फोर आउट ऑफ सेवन, टेक फोर आउट ऑफ सेवन, कॉमा लगाइए, द रिमाइंडर इज थ्री। द रिमाइंडर, रिमाइंडर माने बाकी बचे। फिर देखें टेक फोर आउट ऑफ सेवन, सात में से चार लिए, सात में से चार गए, सात में से चार घटाए, इस तरीके से हिंदी बनेगी। टेक फोर आउट ऑफ सेवन, द रिमाइंडर इज थ्री, इस तरीके से बनेगा। बाकी बचे तीन की अंग्रेजी ये होगी, द रिमाइंडर इज थ्री। कुछ लोग चले गए, बाकी पीछे रह गए। कुछ लोग तो चले गए, कुछ लड़के चले गए, कुछ लोग चले गए, कुछ लड़कियां चली गई, बाकी पीछे रह गए, अंग्रेजी क्या बनेगी? ए फ्यू पीपल वेंट अवे, चले गए। ए फ्यू पीपल वेंट अवे, चले गए की अंग्रेजी बनेगी वेंट अवे। द रिमेनिंग स्टेड बिहाइंड, बाकी रह गए पीछे, तो चले गए, और जो पीछे रह गए, जो पीछे रह गए कितने? बाकी, बाकी पीछे रह गए, कुछ लोग चले गए, बाकी पीछे रह गए। द रिमेनिंग स्टेड बिहाइंड, बाकी पीछे रह गए। कैसी लगी है मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।